मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के हजूरे में उर्दू स्कूल के मैदान में डाटा सेंटर बनाया जा रहा है मनपा द्वारा, और इसका विरोध स्थानीय लोगों के साथ एनसीपी पार्टी भी कर रही है। यहां तक कि एनसीपी के वार्ड अध्यक्ष फिरोज पठान ने इस उर्दू स्कूल के मैदान के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया और पिछले 4 दिन ठाणे महानगर पालिका के सामने उपोषण पर बैठे रहे। इस उपोषण के दौरान फिरोज पठान को काफी समर्थन मिला। इनकी मांग है कि स्कूल के ग्राउंड में डाटा सेंटर ना बनाया जाए क्योंकि बच्चों के खेलने की जगह और कहीं नहीं है। फिरोज पठान ने उपोषण ठाणे महानगर पालिका के सामने किया था और इसी रोड पर स्कूल के बच्चों को खेलते हुए भी देखा जा सकता है। फिरोज पठान का कहना है कि डाटा सेंटर बना तो स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पर फहराने के लिए जगह नहीं है। ये स्कूल के खेल का मैदान है मगर तमाम विरोधों के बावजूद बच्चों से उनका खेलने का मैदान छीना जा रहा है। हालांकि मनपा ने बच्चों को स्कूल के दूसरे मंजिले पर प्लेग्राउंड देने की बात की है मगर फिरोज पठान का कहना है कि जब बच्चों के लिए खेल का मैदान है तो दूसरी जगह क्यों, डाटा सेंटर को ही दूसरी जगह क्यों नहीं बनाया जा रहा है। फिरोज पठान ने कहा है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी के दिन ये तिरंगा लेकर मंत्रालय जाएंगे। प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं आया कि ऐसा प्रशासन ऐसा बोल रहे कि वो जो मैदान था वो हमने आप लोग को खेलने के लिए नहीं दिया था। शायद प्रशासन ये भूल गई है कि ये जो मैदान जो स्कूल चल रही है वो देना अधिकार उनका ही है। प्रशासन जो वहाँ पे डाटा सेंटर जब बना ही रहे तो वो जगह से पूरी मैदान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। पहले वहाँ पे कुछ 25 फुट के आसपास में वहाँ पे जगह खाली थी। हर एक अधिकारी वहाँ पे आके वो मैदान पे उनका फोटो भी है, हर एक अधिकारी का, चाहे मनीष जोशी हो चाहे वो हमारे वहाँ के नगर सेविका हो, वो मैदान वहाँ पे अधिकारी अब वहाँ के बच्चों के साथ में वहाँ पे फोटो भी है। माननीय मुख्यमंत्री साहब को आज भी लेटर दे गए, जो मैदान नष्ट हो गया है वो हमको नहीं मिलेगा, तो हम आने वाले दिनों में 26 जनवरी झंडा वंदन के लिए हो सके तो मंत्रालय में जाएंगे, हम उनको पहले ही निवेदन दे देंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।